तो जैसा कि 9 तारीख को ब्रह्मास्त्र मूवी रिलीज हुई और इसके ट्रेलर में जो बीएफएक्स था उसको देखने के बाद में मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। मूवी देखने के लिए मैंने अपना नियरेस्ट सिनेमा सर्च किया जो कि मेरे घर से 43 किलोमीटर दूर था। काफी ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी मूवी देखने के लिए, इसलिए मैंने अगले दिन की 12 बजे की टिकट बुक कर दी। अगले दिन सुबह जैसे ही मैं उठा मैंने देखा मेरा पोपट हो चुका है, सुबह से ही बारिश हो रही थी। हम लोगों के 400 रुपए वेस्ट ना हो जाए इसके लिए हम लोग धीरे धीरे हो रही बरसात में ही निकल गए। कैसे भी करके भीगते भीगते हम लोग सिनेमा हॉल में पहुंचे जहां पर शाहरुख की एंट्री हो चुकी थी। बाद में जब केसरिया सॉन्ग आया तो मैं थिएटर से बाहर चला गया था। सिनेमा में एसी चल रहा था और मैं भीग भी गया था, इसके वजह से मुझे काफी ज्यादा ठंडी लग रही थी। गाना खत्म होते ही फिर से मैं थिएटर में गया और मूवी को कंटिन्यू किया। बात करूं थिएटर की तो थिएटर ऑलमोस्ट खाली था, गिने चुने लोग ब्रह्मास्त्र मूवी देखने के लिए आए थे। मूवी खत्म हो गई और बात करूं मैं इस मूवी की तो मूवी मुझे काफी ज्यादा एवरेज लगी, लेकिन इस मूवी में जो हमको वीएफएक्स देखने को मिला वो आज तक हमें किसी भी इंडियन मूवी में देखने को नहीं मिला। जैसा कि ब्रह्मास्त्र का पार्ट 2 देव आने वाला तो उसके लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं। आपको ये मूवी कैसे लगी आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना। ऐसे मोर मेनी व्लॉग्स देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।